more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. अब बात कर लेते हैं बेपनाह मोहब्बत की कहानी की, जिसमें आप सब देख रहे हैं कि कैसे अब नया लड़का आ गया है जिसका नाम है अरशद, और वो आया है दोनों को अलग करने। और आए भी क्यों ना, क्योंकि जोया आदित्य की जिंदगी काफी अच्छी इस टाइम गुजर रही थी और शो में ट्विस्ट लाने के लिए शो के मेकर्स को कुछ न कुछ तो करना ही था, जिसके कारण वो लेकर आए हैं एक नए लड़के को, जो कि दोनों के बीच में बनकर आया है एक नया शख्स, जिसके साथ ही आप शो में भी देख रहे होंगे कि कैसे वो आए दिन जोया के पास आ जाता है और ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है आदित्य। और हो भी क्यों ना, क्योंकि लोग यही सब सीन्स तो देखना चाहते हैं, जब दो प्यार करने वाले अगर ना मिले और बीच में कोई तीसरा आ जाए, यही तो एंटरटेन वाला ट्रैक होता है। और यही हो रहा है बेपनाह की कहानी में, जहां आप सब देख रहे हैं कि कैसे तीनों की कहानी लोगों को खूब पसंद आ रही है और जोया आदित्य की वो नोकझोंक वाली केमिस्ट्री भी लोग खूब देखना भी चाहते हैं, जिसके कारण अब शो की कहानी काफी ज्यादा पसंद तो आ ही रही है और शो टीआरपी भी आ गया है। अब आगे ये देखना काफी मजेदार होने वाला है कि आखिर क्या अरशद, जो कि दोनों के बीच में दरार डालने आया है, वही मिला देगा दोनों को और करेगा वो लोगों को और भी ज्यादा खुश। ये सब जानने के लिए बन जाइए मेरे साथ। फिलहाल के शो में बस इतना ही, और भी अपने फेवरेट शो बेपनाह से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स और हर रिव्यूज को जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज।